to all of you. Myself गुनिका सोनी. आज मैं आप सबकी होस्ट हूँ. फ्रेंड्स, इस सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे ना कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ. हम में से कितने लोगों को लगता है अपनी लाइफ में एक फाइनेंशियल प्रेशर फील करते हैं? हम में से कितने लोग अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं? फ्रेंड्स, आज आप सबको एक रोड मैप मिलने वाला है जिससे आप फाइनेंशियल प्रेशर से फाइनेंशियल फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं. और ये रोड मैप बताने के लिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ अखिलेश जी को और ज्योति जी को. अखिलेश जी जॉब बैकग्राउंड से हैं, ज्योति जी होम मेकर हैं. वो बहुत पैशनेटली इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं. ओवर टू ज्योति जी एंड अखिलेश जी. वी आर वेरी एक्साइटेड इस रोड मैप को जानने के लिए. और फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि हम सब लोग एक डिजिटल क्लैपिंग से इनका वेलकम करें. ओवर टू यू. थैंक यू गुनिका जी. आप सभी को मेरा नमस्कार. जैसा गुनिका जी ने बताया, मेरा नाम अखिलेश कुमार सिंह है और मैं इसी शहर बनारस से हूँ. बेसिकली मैं फार्मा सेक्टर में सेल्स एंड मार्केटिंग के जॉब बैकग्राउंड से हूँ और इस जॉब के साथ साथ मैं इस बिजनेस को अपनी पत्नी ज्योति जी के साथ और अपने दो बच्चों के साथ पिछले कई सालों से बहुत ही पैशनेटली मैं बिल्ड कर रहा हूँ. फ्रेंड्स, आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे इस प्रोजेक्ट को आप तक पहुँचाने का मुझे एक जरिया मिला है, मुझे एक मौका मिला है. तो आज हम दोनों लोग पति एंड पत्नी अगले 10 से 15 मिनट में एक आपको इस बिजनेस की छोटी सी कहते हैं एक छोटा सा हम आपको जानकारी जरूर शेयर करेंगे. वो जानकारी है बहुत कम शब्दों में लेकिन बहुत ही जबरदस्त जानकारी है. तो आप जो भी नए व्यक्ति हैं, बेसिकली हम नए व्यक्ति से ज्यादा हम लोग बात करते हैं इस बिजनेस में, तो जो भी नए व्यक्ति हैं वो आज अपने कहते हैं ना कि अपनी थॉट्स, जो भी पुराने थॉट्स हैं उसको एक साइड रख के इस बिजनेस के बारे में आप 10 से 15 मिनट समझने की कोशिश कीजिएगा. हो सके आपको कोई चीज बहुत हिट कर जाए और आपकी लाइफ यहाँ से चेंज हो जाए. इसके बाद बाकी का तो फ्रेंड्स, मैं जैसा कि मैंने बताया, मेरा नाम अखिलेश सिंह है और मेरी वाइफ है ज्योति. हम लोग फार्मा बैकग्राउंड से हैं, वाराणसी से हैं. एंड सबसे पहले दोस्त, मैं उन व्यक्ति का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें इस बिजनेस में लाया. तो हमारे अदर देन हमारे अभिषेक जी एंड अंजलि जी हमारे इस बिजनेस में स्पॉन्सर भी हैं, मेंटोर भी हैं, हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और हम इन्हीं के साथ इस बिजनेस को बहुत ही फास्ट मोड में सीख भी रहे हैं और कर भी रहे हैं. तो उसके बाद आते हैं जो हमारे लाइफ कोच हैं, मनोज भी हैं, संगीता भाभी जो कि हमारे डायमंड भी हैं इस बिजनेस में, हमारे वाराणसी से फर्स्ट डायमंड है और आज उनकी लाइफ इस बिजनेस से पूरी तरह से चेंज हो गई है. तो आज आप उनको हो सके सुनेंगे भी. और उसके बाद आते हैं फिजिकली एक बिजनेसमैन है और उसके साथ साथ इस बिजनेस को इन्होंने बहुत ही पैशनेटली कई सालों से बिल्ड किया और इस बिजनेस में डायमंड हो गए. फ्रेंड्स, इसके बाद आते हैं हमारे कंट्री मेंटर सुमित एंड तानिया बहादुर जी, जिनकी प्रोफाइल में बताने लगूं तो बहुत मतलब काफी टाइम लग जाएगा. बस मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि अगर आप इनसे एक बार मिल लेंगे तो इनके जैसा हम्बल व्यक्ति आज तक आपने अपने जीवन में नहीं देखा और इनकी प्रोफाइल बहुत ही बड़ी है. तो फ्रेंड्स, बेसिकली हम इस बिजनेस में करते क्या हैं, बात आती है कि आखिर इस बिजनेस में ऐसा क्या होता है कि इतने हाई प्रोफाइल लोग भी जो हैं इस बिजनेस को कर रहे हैं, लो प्रोफाइल लोग भी इस बिजनेस को कर रहे हैं. एक स्टूडेंट भी कर रहा है, एक हाउसवाइफ भी कर रही है, एक टीचर भी कर रहा है, इंजीनियर भी कर रहा है, एक IAS ऑफिसर भी कर रहा है, एक डॉक्टर भी कर रहा है. जैसे बेसिकली बहुत लोगों का सपना होता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं या मैं IAS ऑफिसर बन जाऊं, ठीक है. लेकिन इस बिजनेस की खासियत यह है कि एक IAS ऑफिसर को भी लगता है कि मैं Amway बिजनेस में डायमंड बन जाऊं, लेकिन कभी भी एक डायमंड को ये नहीं लगता है कि मैं एक डॉक्टर बन जाऊं. बिकॉज यहाँ पे डायमंडशिप के बाद जो एक हमारी लाइफ होती है ना वो फुलफिल हो जाती है. तो बेसिकली ये लाइफ को फुलफिल करने का एक प्रोजेक्ट है. जैसे अगर लाइफ में किसी का कुछ सपना हो कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं और वहां पे पहुंचने के बाद उसको लगे कि यार ये वो जगह नहीं थी जिसकी मुझे तलाश थी लाइफ में, तो उसको कितना रिग्रेट होता है. लेकिन इस जर्नी में मतलब कि अभी हम जिस प्रोजेक्ट की बात करेंगे उसकी जर्नी में आप कुछ भी बनते हैं, एंड ऑफ द लाइफ आपको रिग्रेट नहीं होगा. बिकॉज यहाँ पे आकर लाइफ कंप्लीट होती है, चाहे वो फाइनेंशियली फ्रीडम की बात हो. जैसा अभी गुनिका जी ने कहा, एवरीबॉडी वांट लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम, ठीक है. उसके अलावा हर व्यक्ति की चाहत होती है कि हम लाइफ में बहुत कुछ अचीव करें. तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ड्रीम्स है, फ्रेंड्स मैं यहाँ पे कुछ ड्रीम्स की बात करूंगा, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा लगता है कि एक भी इसमें से चीज की आपको जरूरत है या वो आपकी लाइफ में कंप्लीट नहीं है, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए ही डिजाइन किया गया है। चाहे मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, तो आप यहाँ पे पढ़ लीजिए। अगर इसमें से एक भी रीजन है तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए बिल्कुल फुलफिल, ये सूट करता है। बेसिकली फ्रेंड्स, ये एक बिजनेस प्रोजेक्ट है, लेकिन इसका मॉडल अलग है। तो मैं डायरेक्ट मॉडल पे आता हूँ। बेसिकली पहले अर्लियर क्या होता था कि बिजनेस करने के अलग अलग मॉडल्स होते थे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 फिगर मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अभी जो सबसे लास्ट में फिगर है कॉर्नर में नीचे साइड, वो मॉडल अभी भी चल रहा है और नीचे के 2 मॉडल अभी भी चल रहे हैं उसके साथ साइमल्टेनियसली। बट अभी एक नया मॉडल आ गया है, दैट इज द, इसकी हम बात करेंगे। ये एक कहते हैं ना ऑनलाइन मार्केटिंग, आपके घर में बैठे हुए आपके दरवाजे तक सामान आ रही है और दूसरे का बिजनेस हो रहा है। जैसे आप जो भी पैसा अर्न कर रहे हैं, चाहे आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, आप मार्केट में डालते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मार्केट में पैसा नहीं डालते हैं, वो मार्केट से पैसा निकालते हैं। तो बेसिकली ये मार्केट से पैसा निकालने का बिजनेस है, अपने घर में बैठे हुए डिजिटल माध्यम से। जैसे हम बात करें बहुत फास्ट मोड में, अमेजन क्या करता है, टर्नओवर करता है डिजिटली और कुछ नहीं करता है। उसकी कोई शॉप नहीं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं, वो टोटली टर्नओवर करता है डिजिटली, बट कोई इमोशंस बहुत वहां नहीं अटैच होता है। एंड आज सबके मोबाइल में फेसबुक है, फेसबुक भी टर्नओवर नहीं करता है, बट वो इमोशनली वहां पे सब लोग अटैच हैं। तो हमारा जो एमवे बिजनेस है, दैट इज टर्नओवर विथ इमोशंस के साथ है। यहाँ पे हम टर्नओवर भी करते हैं, बट एक दूसरे को हेल्प करते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए, इमोशन के साथ जुड़ते हुए। थोड़ा काफी देना, जैसे कि एक फैमिली होती है, तो फैमिली में सभी एक दूसरे से बॉन्डिंग होते हैं एक बहुत ही मजबूत इमोशंस के साथ। तो यहाँ पे सेम एक एमवे फैमिली होती है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या होता है फ्रेंड्स, व्हाट टू डू, तो कुछ नहीं करना होता है। आप अगर इस सिस्टम से, अगर आप इस सिस्टम से अटैच होते हैं और आप इस सिस्टम को सीखते चलते हैं, तो अगले 2 से 4 सालों में यहाँ पे आप 1 से 2 करोड़ का आप एक कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी टाइप का बना सकते हैं। जैसे अगर हमें बैंक में पैसा रखना हो और हमें 1 से 1.5 लाख रुपए पैसा बैंक से अब महीने का ब्याज चाहिए, तो हमें शायद मोर देन 1 करोड़ रुपीस बैंक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, एफडी करनी पड़ेगी या किसी भी फंड में रखना पड़ेगा। तो हम एक एसेट्स रखते हैं बैंक में और बैंक हमें उसके बदले ब्याज देता है। बट यहाँ पे भी हम सेम काम करते हैं, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए की इनकम को हम क्रिएट कर सकते हैं अगले 2 से 4 सालों में। आज सबके घर में मोबाइल, लैपटॉप एंड मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सारे गैजेट सभी के घर में। यहाँ पे एक होम बेस्ड प्रोजेक्ट है, आप सारा पैसा डिजिटली माध्यम से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। ये कोई भी बहुत बड़ा टास्क नहीं है फ्रेंड्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली हमें सिर्फ ये समझना है कि पहले जो हम मार्केट में पैसा डालते थे वो हमारा खर्च होता था। अब वो पैसा हम जो मार्केट में डालेंगे वो हमारा खर्च नहीं होगा, बेसिकली वो हमारा एक तरह से बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर हमको एक दुकान से 1.5-2 लाख रुपए कमाना हो, तो मेरे को करीब 50 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करना पड़ेगा मार्केट में। यहाँ पे यही काम हम विदाउट इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैसे, आप जिनके साथ भी इस बिजनेस में, आप डिटेल समझिएगा कि कैसे क्या इसमें होता है। लेकिन बेसिक काम यही होता है कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 30 से 50% की पार्टनरशिप करते हैं कंपनी के साथ, यूज करते हैं, ठीक है। हम प्रोडक्ट्स को जब यूज करने के बाद सेटिस्फाइड होते हैं तो हम उसको रिटेल करते हैं, और हम यही काम करना 2-4 लोगों को सिखा देते हैं उनकी मर्जी से। ये बहुत ही सिंपल काम है, दुनिया का सिंपलेस्ट वर्क है, ठीक है। लेकिन इसके कुछ तरीके हैं, कुछ सिस्टम है, वो आपको सीखने पड़ेंगे, वो आपको जानने पड़ेंगे, ठीक है। अभी एक बहुत अच्छा लेटेस्ट ट्रेंड है आज के डेट में, यूथ हमेशा अपना एक वो सोचता है मैं स्टार्टअप करूं, तो एक जो भी नया व्यक्ति पढ़ के आ रहा है स्कूल कॉलेज में, उसके लिए स्टार्टअप करने के लिए दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ग्रोथ है। बिकॉज ई कॉमर्स आज वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट मूविंग सेक्टर है और एफएमसीजी बिगेस्ट मार्केट है आज वर्ल्ड का। तो इट इज द बिगेस्ट मार्केट जहां पे ग्रो करने के अनलिमिटेड पोटेंशियल है, एक यूथ के लिए भी, एक हाउसवाइफ के लिए भी, एवरीबॉडी के लिए। क्योंकि एफएमसीजी का मार्केट कभी खत्म नहीं होने वाला। पूरे पैनेडेमिक में हमने देखा कोविड में कि एफएमसीजी एंड मेडिसिन का मार्केट बहुत तेजी से बूम किया है। तो इसी से ये हमारा एफएमसीजी सेक्टर है। इसके बाद फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया, वर्ल्ड क्लास के पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, आपको यूज करने हैं, आपको रिकमेंड एंड रिटेल करना है एंड एक्सपैंड द बिजनेस विद द हेल्प ऑफ सिस्टम। आपको लोगों को यही काम करना, डुप्लीकेट करना है, ठीक है। तो मैं जिस ऑलरेडी मैंने बताया कि आमवे कंपनी है, आप यहाँ पे 2 से 4 सालों में एक बहुत अच्छी हैंडसम इनकम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ इनकम को मैंने थोड़ा से यहाँ पे बताया है कि अगर आप 2 से 4 सालों में अगर प्लैटिनम लेवल पे भी चले जाते हैं फाउंडर क्वालिफिकेशन में, तो आपकी जो एनुअल इनकम होती है वो अप्रॉक्स 15 से 18 लाख होती है। प्लैटिनम लेवल पे 9-10 लाख रुपीज होती है और इसके साथ साथ आपको वर्ल्ड टूर्स भी मिलने लगते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी हैंडसम इनकम आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं और आप ये प्लान कर सकते हैं कि आप ये इनकम अपनी लाइफ में कैसे ऐड कर सकते हैं जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अलावा, विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि आज डिजिटल युग है, तो हम इस डिजिटल युग में कैसे अपने आप को बहुत तेजी से चेंज कर सकते हैं और नई चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी बहुत सिंपल है। आपको ये काम कुछ लोगों को डुप्लीकेट करना है, मैंने यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन दिखाए हैं। अगर आप 10 लोगों को डुप्लीकेट करते हैं और उसके बाद ये डुप्लीकेट होता जाता है, क्योंकि डुप्लीकेशन में बहुत पावर होता है फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे एक बहुत अच्छी ह्यूज इनकम बना सकते हैं मंथली एंड सालाना, और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। क्योंकि आप फाइनेंशियली फ्री रहेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी होगी, बहुत हेल्दी होगी और उसके बाद की तो कोई बात ही नहीं है। तो Amway, जैसा मैंने बताया, ये मोर देन 60 years old कंपनी है, वर्ल्ड की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये डायरेक्ट कस्टमर को प्रोडक्ट बेचती है। ठीक है, मोर देन हमारे पास मोर देन 1000 पेटेंट है, बहुत बड़ा इसका प्रोफाइल है। हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे एकदम पूरा डिटेल में। इस कंपनी का प्रोफाइल अपने आप में बहुत बड़ा है। तो आप इतनी बड़ी कंपनी के साथ इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज अगर मुझे मौका मिले कि एप्पल कंपनी का मेरे को शोरूम खोलना हो, तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि वर्ल्ड में एप्पल बहुत अच्छी कंपनी है। तो मैं वहां पे तुरंत सोचूंगा कि मैं उसका शोरूम खोलूं, क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। द सेम थिंग्स कि ये जो कंपनी है वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है अपने सेक्टर में। तो इस कंपनी के साथ बिजनेस करने की जो हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, दैट इज अनलिमिटेड। उसके बाद कोई बात नहीं। तो फ्रेंड, दिस इज फ्रॉम माई साइड। मैं चाहूंगा कि मेरी वाइफ कुछ बात करें इस बिजनेस की अच्छाइयों के बारे में। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योति है और मैं इसी शहर वाराणसी से हूँ, और मैं अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ इस बिजनेस को कर रही हूँ। और अखिलेश जी ने आप लोगों को बिजनेस का प्लान दिखाया और मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को वो बिजनेस प्रेजेंटेशन समझ में आया होगा। तो फ्रेंड, मैं बस जल्दी से मैं आपको 3-4 बातें बताती हूँ जिसके कारण मैं इस बिजनेस से जुड़ी हुई हूँ, या फिर मुझे लगता है कि एक हाउस वाइफ को, एक लेडीज को इस बिजनेस को करना चाहिए। शायद जो मेरे रीजन्स हैं वो आपके रीजन्स हो सकते हैं। तो मेरा जो पहला रीजन था इस बिजनेस को करने का वो ये था कि जब मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया या स्टार्ट में मुझे ये बिजनेस मिला, तो मुझे पता चला कि यहाँ कुछ वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट्स हैं, और शायद मैं इस बिजनेस में अगर नहीं रही होती तो मैं इस तरह के वर्ल्ड क्लास के प्रोडक्ट्स को मैं यूज नहीं कर पाती। मैं यहाँ के न्यूट्रिलाइट जो वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट है, उस तरह के सप्लीमेंट्स को, न्यूट्रिलाइट को हम लोग लेते हैं। वर्ल्ड का जो बहुत ही नंबर 1 मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केट सेलिंग में जो ब्यूटी ब्रांड से आर्टिस्ट, उसको मैं यूज करती हूँ। तो मुझे लगता है कि इस बिजनेस को करने का जो मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला वो यही मिला कि मुझे एक वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट मिला। जो दूसरा जो मुझे लगता है कि ये बिजनेस मेरे लिए जरूरी है वो ये है कि जब मैंने इस बिजनेस को किया तो हमारी फैमिली बॉन्डिंग हुई। हम हस्बैंड वाइफ के अंदर एक बॉन्डिंग और भी ज्यादा मजबूत हुई, क्योंकि हस्बैंड अपने वर्क पे जाते थे, उनके गोल्स अलग थे, उनके स्किल्स अलग थे, उनका लक्ष्य अलग था और माइंडसेट भी अलग था। लेकिन हम जब इस बिजनेस में आए तो वो जॉब में जा रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ हम दोनों ने इस बिजनेस को शुरुआत किया। तो हमारा ये जो इस बिजनेस को करने के लिए गोल और माइंडसेट हमारे एक हो गए, तो हम हस्बैंड वाइफ में बॉन्डिंग हो गई। और जो तीसरा मुझे लगता है कि इस बिजनेस को करने का मुझे जो तीसरा सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो ये कि मुझे यहाँ का एक बहुत ही अच्छा एसोसिएशन मिला। मुझे जो हमारे अपलाइन मेंटर्स अभिषेक जी, अंजलि जी हैं, उनका गाइडेंस मिला, संगीता भाभी का गाइडेंस मिला, जो मेरे स्किल्स को, मेरे एसोसिएशन को उन्होंने बेहतर से बेहतरीन बनाया और मेरी एक सोच में उन्होंने डिफरेंस पैदा की कि शायद मैं जहाँ पहले टिपिकल हाउसवाइफ की तरह जो सोचती थी उससे निकल के मैं आगे आई। और जो चौथी पॉइंट है वो ये कि यहाँ पे मेरे जो स्किल्स थे जो कहीं दबे हुए थे वो एक तरह से स्किल्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम हुआ जो बहुत ही अच्छा है। एक हाउसवाइफ के लिए सबसे अच्छा है कि वो कितना भी पढ़ लिख लेती है। मैंने बीएड किया, टेट क्वालिफाइड किया और शायद जॉब और वैकेंसी के कमी के चलते शायद मैं जो घर में बैठी थी, तो इस बिजनेस को करने के कारण हमारा जो वो स्किल है इस बिजनेस में निखरा और इनहेंस हुआ। और फ्रेंड जो लास्ट में बता रही हूँ ये कि मैं एक हाउस वाइफ से एक बिजनेस वुमेन बन गई। तो शायद मेरे लिए बहुत ज्यादा अगर कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन अगर मैं ये कहती हूँ किसी को कि मैं एक होम मेकर के साथ साथ मैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूँ, तो शायद ये डेफिनेशन भी मुझे एक डिफाइन करता है। इस बिजनेस में स्टे करने के लिए, इस बिजनेस को बड़ा बिल्ड करने के लिए कहीं ना कहीं ये मुझे प्रेरित करता है और मुझे लगता है कि और भी हाउस वाइफ्स को ये हेल्प करेगा। तो हम दोनों के साइड से यही था। थैंक यू, बैक टू होस्ट। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है कंटिन्यूअस क्लैपिंग हमको चाहिए।